गाइस नेटफ्लिक्स में एक मूवी आई है जिसका नाम है स्पेसमैन, एंड मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ कि ये मूवी कैसी है और इसकी हिंदी डबिंग कैसी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको पता चल सके कि ये मूवी कैसी है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो अगर सिंपल वे में इसके स्टोरी के बारे में बात करूं तो इसमें आपको एक अंतरिक्ष यात्री देखने को मिलेगा जिसका नाम याकूब रहता है, जो कि एक स्पेस मिशन में रहता है 6 महीने से। और ट्विस्ट तभी आ जाता है जब उसके जो स्पेसशिप में है एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है। तो वह क्रिएचर कहां से आता है एंड वह याकूब से क्या चाहता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ता है। तो अगर इस फिल्म को एक शब्द में रिव्यू करूं तो फिल्म आपको बहुत ही अच्छा लग सकता है यदि आपको कुछ डिफरेंट देखने का मूड है। तभी यदि आपको सिर्फ एक्शन फास्ट पेस मूवी देखना पसंद है तो ये आपके टाइप की मूवी नहीं है। यदि आपको कुछ डिफरेंट देखना है, मतलब कुछ अलग एक्सप्लोर करना है, तब ये मूवी आपके लायक है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। पर आप सिर्फ एक्शन देखना चाहते हैं तो ये आपके टाइप का मूवी नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको थोड़ा स्लो लगेगी क्योंकि सब कुछ सेटअप करने में समय लगता है, इसलिए ये आपका थोड़ा इम्तिहान ले सकती है आपके सब्र का। पर आपको ये फिल्म मजा देती है ये मैं आपको कहूंगा। और जिस तरह से एक्टर्स का परफॉर्मेंस हुआ नेक्स्ट लेवल का है, आपको बहुत ही मजा आता है उन्हें देखने में। आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कैरेक्टर से, मतलब सभी ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। और जिस तरह से मतलब फिल्म को प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह से फिल्म का स्क्रीन प्ले है, ओवरऑल फिल्म का प्रोडक्शन क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतरीन लगता है एंड आपको कुछ भी कमी देखने को नहीं मिलती है। और इसकी हिंदी डबिंग कमाल की गई है, आपको हिंदी डबिंग में कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, जी हाँ, आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं एंड आप कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसे एक बार चांस दे सकते हैं। पर आप सिर्फ फास्ट पेस ऑडियंस है, मतलब सिर्फ आपको एक्शन मूवी देखना पसंद है, तो ये आपकी टाइप की मूवी नहीं है एंड ये आपको पसंद नहीं आ सकती है। पर आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं जो आपको थोड़ा मजा दे, मतलब थोड़ा रोमांटिक चीज़ें और कुछ मतलब मिस्टीरियस टाइप का चीज़ें देखना चाहते हैं तो इसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और गाइस आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं, इसमें कुछ एडल्ट लैंग्वेज का उपयोग किया गया है, इतना चलता है, तो आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।